नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बाइक के गार्ड्स को कैसे पेंट मारते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आप अपने खुद के कार या बाइक को पेंटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रे पेंटिंग सीखने को चालू कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूंगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चालू करूंगा ये गार्ड्स को सैंडिंग करने के साथ, और इस गार्ड्स को मैं 80 ग्रिट सैंड पेपर लेके पहले पूरी रश जो है वो निकालूंगा, और रश निकालने के बाद इसको रेड ऑक्साइड प्राइमर मारूंगा रश प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा इधर सब गार्ड्स को सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से धोऊंगा। तो मेरे सब गार्ड्स रेडी है प्राइमर मारने के लिए। तो अभी मैं इधर मिक्स करूंगा मेरा प्राइमर। तो ये प्राइमर अभी बहुत दिन से शॉप में बैठा हुआ था, हमें मालूम नहीं कितने दिन से। तो इसको पहले आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो प्राइमर मिक्स करने के बाद मैं इस मेजरिंग कप में लूँगा। तो अराउंड 100 ml प्राइमर मैं इधर इस मेजरिंग कप में लूँगा, और अब मैं इसमें ऐड करूँगा रिड्यूसर। तो ये दोनों ऐड करने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको डालना है इसको स्प्रे गन के अंदर। अब मैं ये गार्ड्स को वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके अच्छी तरह से वाइप करूँगा। मैं इधर चालू करूंगा प्राइमर मारने को। तो पहले नीचे के साइड में मैं प्राइमर मारूंगा, और बाद में इसको टर्न करके ऊपर के साइड में मैं प्राइमर मारूंगा। तो ये साइड में मेरा प्राइमर मार के हो गया है। अब मैं इसको सूखने को टाइम दूंगा, और बाद में इसको पलटाऊंगा दूसरे साइड में प्राइमर मारने के लिए। तो इधर मेरा प्राइमर सूख गया है। अब मैं इसको टर्न करूंगा, और दूसरे साइड जो दिख रहा है, जो ये गार्ड स्पाइक पे डालने के बाद दिखेगा, वो साइड में मैं अभी प्राइमर मारूंगा। तो इस प्राइमर से मेरे पूरे गार्ड्स को रस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इधर मेरा रेड ऑक्साइड प्राइमर मार के हो गया है। अब मैं इसको सूखने को टाइम दूंगा एक दिन का। अभी मेरा इधर रेड ऑक्साइड प्राइमर जो है वो सूख गया है। अब मैं इसको एक 220 ग्रिट सैंड पेपर लेके अच्छी तरह से सैंडिंग करूंगा, और बाद में इसके ऊपर ग्रे प्राइमर मारूंगा। इससे ये रेड ऑक्साइड प्राइमर सील हो जाएगा। तो इधर मेरा सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले धोऊंगा और सूखने को दूंगा ग्रे प्राइमर मारने से पहले। अब मैं सब पार्ट्स को वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके अच्छी तरह से वाइप करूंगा। तो अभी मैं ग्रे प्राइमर मारने को चालू करूंगा। तो इधर मेरा थोड़ा कैमरा शेक हो गया है, कंप्रेसर के ज़्यादा नज़दीक था इसीलिए, लेकिन मैं इधर अभी पूरे गार्ड्स को ग्रे प्राइमर मारूंगा। अब ये सूखने के बाद ये सब पार्ट्स मैं इसे टर्न करूंगा और दूसरे साइड में प्राइमर मारूंगा।
तो इधर मेरी पूरी फुटेज हिल रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्किप करूँगा ग्रे प्राइमर मारने के बाद सैंडिंग करने को। अभी ग्रे प्राइमर मारने के बाद आपको 320 ग्रिड सैंड पेपर लेके इसको अच्छी तरह से सैंडिंग करना है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है सैंड पेपर के ऊपर, सिर्फ ऊपर ही ऊपर आपको स्कफिंग करना है और ग्रूव बनाने हैं ताकि जो हम पेंट मारेंगे उसको अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए। इधर मेरा सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं ये सब गार्ड्स को अच्छी तरह से पानी से धोऊंगा और रेडी करूंगा पेंट मारने के लिए। तो इधर मेरे सब पार्ट्स धो के हो गया है, अब मैं करूंगा मेरा पेंट मिक्सिंग। तो इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक मैट फिनिश पेंट बायलक्स का। तो पेंट को पहले आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इधर मैं लूँगा 100 ml पेंट। बाद में मैं मिक्स करूँगा एक 25 ml थिनर और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और इधर मैं ऐड करूँगा इसमें 25 ml हार्डनर। अब आपको पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपका पेंट मिक्सचर रेडी है स्प्रे गन में डालने के लिए। तो जो मिक्सचर मैंने अभी किया है वो मैं इधर स्प्रे गन में डालूँगा। तो मेरा स्प्रे गन अभी रेडी है पेंट मारने के लिए। तो पहले मैं गार्ड्स के नीचे का साइड है उसको पेंट मारूँगा। नीचे का साइड मतलब जो साइड जो दिखता नहीं है वो गार्ड के नीचे का पार्ट है, वो पार्ट को मैं पहले पेंट मारूंगा। और ये सूखने के बाद मैं ये सब गार्ड्स रोटेट करके जो साइड दिख रहा है जब बाइक पे लगाने के बाद गार्ड्स का पार्ट जो दिख रहा है वो पार्ट मैं लास्ट में पेंट मारूंगा और उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा सूखने के लिए। इधर और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। सब कोने में कोई भी कोना है उसमें सब जगह पे पहुँच के आपको ये पेंट लगाना है, क्योंकि नहीं तो आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आप जब पार्ट्स फिर से बाइक पे लगाएंगे तब वो दिखाई देगा और तब अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो इसी वजह से आपके स्प्रे बूथ में अच्छा लाइटिंग होना चाहिए ताकि आप सब पार्ट्स के कोने देख सकें। तो नीचे के साइड में मेरा पेंट मार के अभी हो गया है। अब मैं सब पार्ट्स को घुमाऊंगा और इसको मैंने अभी सूखने को अच्छा टाइम दिया है आधा घंटा जैसा। अभी मैं इसको टर्न करके जो साइड जो दिखेगा वो साइड में अच्छी तरह से पेंट मारूंगा। इधर आप दो कोट चाहे तो दो कोट भी मार सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कोट मारूंगा। लेकिन एक भी पार्ट मैं इधर मिस नहीं करूंगा। इधर एक ही बार जब मैं मार रहा हूँ तभी दो तीन बार इस स्प्रे गन ऊपर से घुमाऊंगा ताकि ये डार्ट कोट हो जाए। Oh,
तो सब गार्ड्स को मेरा इधर पेंट मार के हो गया। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे सब वीडियो देख के स्प्रे पेंटिंग सीखने को चालू कीजिए। और कमेंट करने को मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने को तो मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।